नमस्कार। बिना तोड़फोड़ के वास्तु उपचार रेमेडीज उपचार, यदि किसी के अनुसार किसी व्यक्ति का भवन में कोई वास्तु के अनुसार की वस्तु नहीं है, उसका हम तोड़फोड़ के द्वारा समाधान नहीं कराते, बल्कि थोड़ा सा सामान को इधर उधर करने से ही बहुत सारे लाभ मिलते हैं। कल हमने बात की थी मुख्य स्वामी जो गृह स्वामी है उसके सेम कक्ष की बात, आज करते हैं हम छोटे बच्चों का कमरा कहाँ पर हो, यदि उसके वास्तु से है तो उसे कैसे करें। जैसे किसी मकान में बच्चों के लिए उत्तर या पूर्व में कोई कमरा नहीं है, तो वो पश्चिम में है या दक्षिण में है, तो उसमें हम बच्चों के कमरे का तालमेल एडजस्टमेंट वास्तु समाधान कैसे करें। वास्तु के अनुसार बच्चों कमरा पढ़ाई का रूम स्टडी रूम जो है उत्तर पूर्व में बहुत अच्छा होता है, और कई भवनों में उत्तर पूर्व में कोई कमरा नहीं होता बच्चों के लिए सुटेबल, तो पश्चिम में या दक्षिण में होता है। वैसे दक्षिण पश्चिम में जो कमरा होता है वो मुख्य गृह स्वामी का होता है, लेकिन यदि वहाँ पर नहीं है तो बच्चों कमरा बना दिया तो उसमें भी आप वास्तु का थोड़ा सा आकर्षण कर सकते हैं। मान लिया आपका बच्चों कमरा दक्षिण दिशा में है, तो उसका जो कमरे के अंदर जो इंटीरियर है यानी उसका जो अंदर की वो इकाई है, उसको मानते हुए बच्चों का जो बेड है वो रखें पूर्व की ओर या उत्तर की ओर, और शराना रखें पूर्व की ओर। बच्चों का पढ़ने वाले बच्चों का जो शराना है पूर्व में हो तो बहुत अच्छा होता है, और उसी के बराबर में उसके पढ़ने के लिए एक टेबल एक चेयर रख दें, जिससे पढ़ते समय उसका मुंह पूर्व में हो अथवा उत्तर में हो। जो दक्षिण कोना है दक्षिण खाली पढ़ने होना चाहिए, उसमें भी उसकी अलमारी किताबों का सामान किताबें सामान उसके पहनने कपड़े आदि यानी जो उसके उपयोग के सामान है वो साउथ वेस्ट साउथ में रखें अपने उस कमरे के साउथ कोने में। तो इस प्रकार भी हम अपने बच्चों का कमरा सेटलमेंट कर सकते हैं। ये आवश्यक नहीं कि उत्तर में ही हो या पूर्व में हो, दक्षिण का भी हम वास्तु के अनुकूल कर सकते हैं। दूसरी बात है, जो हमारा मुख्य गृह स्वामी होता है उसका कमरा साउथ वेस्ट में होता है। कहा जाता है कि अगर साउथ वेस्ट में गृह स्वामी होता है तो पूरा प्रभाव उसका प्रभाव पूरे परिवार पर रहता है, पूरा परिवार उसका सम्मान करता है। यदि बच्चों उस लाते हैं तो उसमें गड़बड़ आती है, बच्चा हावी हो जाता है, लेकिन अगर नहीं बन रहा कोई कमरा बच्चों के लिए तो साउथ में अथवा वेस्ट में रह सकते हैं। बस यह है आवश्यकता इस बात की है कि उसमें जो है उसका बेड उत्तर या पूर्व में हो, शराना पूर्व में हो, और पढ़ने के लिए कुर्सी या मेज जो है ऐसी लगे जिसका पढ़ते समय उसका मुँह उत्तर में हो या पूर्व में हो। दूसरी बात, पढ़ने वाले बच्चों के कमरे में सामान को अस्त व्यस्त ना रखें। पढ़ने के टेबल पर जो कई बच्चे आते हैं पढ़ने एक पुस्तक होती है, सारा कोर्स की पुस्तक खोल लेते हैं, इधर पेंसिल रबड़ आदि आदि सब रख लेते हैं और तब पढ़ते हैं, इससे एकाग्रता भंग होती है, पढ़ने में नेगेटिविटी आ जाती है। तो जो हम उसके लिए क्या है, जो किताब पढ़ें जो विषय पढ़ रहे हैं उसी की किताब कापी रखें, उसी से संबंधित रखें मटीरियल तो अच्छा रहता है। एक बात और रखें ध्यान, कमरे में बच्चों के कमरे में या किसी बड़े बड़े कमरा जो पढ़ते बच्चे पढ़ने वाले होते हैं ना, उन पढ़ने वाले बच्चे कभी भी बेड पर बैठकर ना पढ़ें, चाहे वो उत्तर का कमरा हो पूर्व का हो या दक्षिण का हो। बेड पर पढ़ने से नेगेटिविटी आती है, दिमाग में बातें नहीं आती, और इसके साथ साथ ये सब पे लागू होता है, बड़े लोगों को भी अपने बेड पर बैठ करके पढ़ाई ना करें और बेड पर बैठ करके खाना ना खाएं। खाना खाने से घर में नेगेटिव आती है, बाथरूम दूषित आता है, अच्छा नहीं होता और स्वास्थ्य खराब हो जाता है। खाने में अगर हम खाते हैं बैठ बैठ करके अपच हो जाता है। वैसे भी खाना हमारे विद्वानों ने ऋषियों ने बिस्तर पर खाट पर बैठकर खाना खाना वर्जित किया है, पढ़ना वर्जित किया है, इसलिए इनके लिए अलग स्थान चाहिए। और इसी अवधारणा को लेते हुए डाइनिंग रूम का डाइनिंग टेबल का आविष्कार हुआ है। अगर डाइनिंग टेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, नीचे चौकी बिछा करके अथवा क्लॉथ मार करके खाना खाएं या
टेबल पर खाना खाएं। और दूसरी बात यह है कि एक बात और, खाने के समय हमेशा अपने प्रभु का अन्नपूर्णा माता का ईश्वर धन्यवाद करें। बच्चों को अभी जाने आदत कि बेटा खाना खा रहे हो ना, भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है, इसलिए आप उनको प्रणाम करो, पहले भोजन को प्रणाम करो, और जो भी हमारी अन्नपूर्णा माता है, भोजन की माता है, उनको प्रणाम करें तो घर में बरकत होती है, थोड़े में बरकत होती है। यदि हमारे पास कम पैसा भी है, अभाव भी है, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं ईश्वर को, ईश्वर आज धन्यवाद आपने भोजन दिया, तो इससे घर में बरकत आती है, और जो आपका कम पैसे वाला व्यक्ति परिवार भी बहुत आगे पहुँच जाता है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।